सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019। आप सभी लोग विचार कर रहे होंगे कि साल के जाते जाते ये अंत में जो ग्रहण आया है कुछ दिनों पहले, ये आपकी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। इस ग्रहण के बारे में बताना चाहूंगी कि ये अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में भी थोड़े स्तर पर दिखाई देने वाला है, लेकिन माना जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण इस बार अत्यधिक प्रभावशाली है। उस दिन 6 ग्रह एक साथ धनु राशि के लग्न में स्थित होंगे, सूर्य, चंद्रमा, केतु, बुध, बृहस्पति और शनि। तो आगे जितने भी वीडियोस आप देखेंगे अपनी अपनी राशियों का, उसमें आप जानेंगे कि आपकी राशि में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होने वाला है। सूतक 25 तारीख को शाम में 5:30 से प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 8:17 से 10:57 तक ग्रहण काल रहेगा। मीन राशि, 26 दिसंबर आने वाला जो ग्रहण है उसमें आपके साथ कैसा रहेगा, कुछ नकारात्मक प्रभाव ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपके कार्य स्थान पर भयानक उथल पुथल पैदा हो सकती है, अनावश्यक वाद विवाद होंगे, आप पर तरह तरह के लांछन भी लग सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आपको अपने व्यापार में बहुत सावधानी बरतनी होगी। और कहना चाहूंगी ग्रहण के कुछ दिन पहले से और उसके बाद तक आप कुछ ऐसे शुभ कार्य ना कीजिए, या आपको शुरू करना चाहते हैं नया कार्य तो ना कीजिए, और जो पहले से आपके काम चल रहे हैं उसमें पहले से इतनी उथल पुथल मच जाएगी, आपको उसको ही संभालने के लिए आपको खुद को मजबूत करना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। तो मीन राशि वालों, नकारात्मकता का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, तो बताऊंगी कि आप इसका उपाय कैसे करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ उपाय। गणेश जी की आराधना करिए, उनका मंत्र जाप करिए, क्योंकि गणेश जी की आराधना से केतु शांत होते हैं और पूरा ग्रहण ही केतु की वजह से है, इसलिए गणेश जी की आराधना करिए, उनका मंत्र पढ़िए और उसके अलावा सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और सूर्य मंत्र का जाप कीजिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान करिए, और कुछ आप चाहते हैं कि दान करना है, पुण्य के काम करने हैं तो वो अवश्य कीजिए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।